तो ये खड़ी है सारी की सारी कार्स। तो ये है यार अपना थीम पार्क जो हमने लॉस सैंटोस के लोगों के लिए बनवाया है। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो यार आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं GTA 5 फ्रैंकलिन के साथ। तो यार आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार फ्रैंकलिन आज गिफ्ट करने वाला है माइकल को लॉस सैंटोस के सबसे फेमस और सबसे एक्सपेंसिव डायमंड कैसीनो। अब देखो यार, आप लोग को भी पता है डायमंड कैसीनो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव और फेमस है। तो फ्रैंकलिन यार उस कैसीनो को परचेस करेगा, उसके बाद यार वो माइकल को गिफ्ट कर देगा। क्योंकि यार देखो, माइकल को काफ़ी टाइम से यार वो कैसीनो को परचेस करना था, बट यार माइकल उसको परचेस नहीं कर पाया। बट यार कुछ दिक्कत चल रही थी, इसीलिए यार माइकल उस डायमंड कैसीनो को यार परचेस नहीं कर पाया। तो इसीलिए यार फ्रैंकलिन उसको परचेस करेगा और माइकल को गिफ्ट करेगा। क्योंकि यार देखो, आप लोग को भी पता है माइकल ने यार फ्रैंकलिन की कितनी ज़्यादा हेल्प करी है। तो आप लोग यार अगर इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप सभी लोग को पता होगा यार कि फ्रैंकलिन को प्रेसिडेंट बनाने के लिए यार माइकल ने कितना कुछ किया है। माइकल ने अपने 500 मिलियन डॉलर्स तक दे दिए फ्रैंकलिन को प्रेसिडेंट बनवाने के लिए, और यहां तक कि यार माइकल ने फ्रैंकलिन को कुछ गिफ्ट भी दिए। और वो गिफ्ट क्या दिए वो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो। तो अगर आपने इस सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा तो जाकर देख लेना, आपको इस चैनल पर ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो जाकर जरूर देख लेना। तो ये वाली जो कार खड़ी है देखो, सुपर कार, ये भी यार माइकल ने ही इसको गिफ्ट करी है। और एक जो मेंशन था वो भी यार माइकल ने ही इसको गिफ्ट करा है, जो एक दूसरा वाला मेंशन था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह काम करना है कि हमें यार अभी फिलहाल सीमन के शोरूम पर जाना है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा खुश है फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन यार जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन सबको यार सुपर कार्स दे रहा है, मतलब उनकी जो नॉर्मल कार है उसको रिप्लेस करवा रहा है और सुपर कार गिफ्ट कर रहा है उन सभी लोग को। ठीक है, आज यार फ्रैंकलिन यही काम करने वाला है पूरे दिन। तो अभी फिलहाल हमें सीमन के शोरूम पर जाना है उन कार्स को देखने के लिए, क्योंकि यार उसने सीमन से ही मॉडिफाई करवाई है। मतलब यार उन्होंने सीमन को सुपर कार्स का ऑर्डर दिया था और सीमन से उन्होंने बातचीत करी, तो उसने बोला कि हाँ चलो मैं मॉडिफाई करवा कर भी दे दूंगा। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं सीमन के शोरूम पे और अपनी यही वाली कार में चलते हैं। और ये जो दो बॉडीगार्ड है इसमें से एक हमारे साथ आएगा और एक यार यहीं पर खड़ा रहेगा। तो पहले मैं इसका रेडियो बंद करता हूँ। ओके, तो गाइस हमारे साथ ये बॉडीगार्ड भी आकर बैठ चुका है। तो अब चलते हैं फटाफट से हम लोग यार सीमन के, ओ भाई आराम से। तो अब चलते हैं हम लोग यार फटाफट से सीमन के शोरूम पे। तो मैं पहले मैप में मार्क लगा लेता हूँ। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ पे सीमन का शोरूम। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग यार सीमन के शोरूम पे और चलकर देखते हैं उसने कारों को कैसी मॉडिफाई करवाया। तो हमने उसको ये बोला था कि कोई भी सुपर कार रेडी करवा देना, मतलब मॉडिफाई करवा के। तो चलकर देखते हैं उसने, ओ बच गए, अबे बच गया, खरगोश पिचक जाता अभी हमसे। तो फटाफट से हम लोग चलकर देखते हैं उसने उन कार्स को कैसे मॉडिफाई करवाया। तो उसमें से एक तो शायद यार लंबोर्गिनी हमने उससे बोली थी, और एक दो कार और थी, मतलब उसने हमें जब कारों की लिस्ट दिखाई थी तो हमने यार उनसे सिलेक्ट करके हमने उसको बता दिया था कि ये कार में तुम करवा देना। तो चलकर देखते हैं कि उसने कैसी मॉडिफाई करवाई है। अगर बढ़िया करवाएगी तो भाई हम उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे यार। ठीक है, ओ भाई देख रहे हो मतलब लॉस सैंटोस के लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं यार। तो तब तक यार अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पर नया आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए डेली GTA 5 की वीडियोज़ डालता हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग यार सीमन के शोरूम पे और वहाँ चलकर देखते हैं कैसी कार थे वो। ओके गाइस, यार अपन लोग पहुँच चुके हैं यार सीमन के शोरूम पे। तो ये खड़ी हैं भाई देखो सारी की सारी कार्स। तो अपन लोग अपनी कार को तो देखो यहाँ पर पार्क कर देते सबसे पहले। तो ये देखो भाई, तो ये खड़ी हैं सारी की सारी कार्स, मतलब ये तीन सुपर कार है। ये वाली तो मेरे ख्याल से बुगाटी चेरोन है, हाँ बुगाटी चेरोन है, और ये बीच में अरे भाई ये बीच में लंबोर्गिनी है, और ये मेरे ख्याल से मस्टैंग है। तो काफ़ी सही लग रही है यार, काफ़ी सही डिज़ाइन करवाई है उसने। ओके, तो मेरे को तो भाई लंबोर्गिनी और बुगाटी का समझे बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो उसने यार ये तीन कार से भी फिलहाल यहाँ पर मॉडिफाई करवा के खड़ी करवाई हैं, क्योंकि देखो मॉडिफाई करवाने में कसम से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसने यार खाली हमें शो पीस के लिए ये कार दिखाने के लिए खड़ी करवाई है। तो मेरे को तो यार वैसे तीनों ही बढ़िया लग रही है। तो हमें यार पुलिस वालों को ये सारी कार्स देनी है, तो मैं इन कार्स को यार फाइनल कर देता हूँ भाई, सीमन को कॉल कर देता हूँ मैं फटाफट से, तो वो और कार्स का भी ऑर्डर दे देगा। तो सीमन का नंबर ये है। ओके गाइस, तो मैंने यार इन कार्स का ऑर्डर दे दिया है, तो सीमन यार और भी कार्स को मॉडिफाई करवा देगा। मतलब टोटल यार हम लोग 10 कार्स पुलिस वालों को दे रहे हैं, ताकि अगर वो लॉस सैंटोस में कुछ भी क्राइम हो तो जल्दी से पहुंच पाए, क्योंकि उनकी जो खटारा कार है ना उससे कदम से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पहुँचने में। तो अपना काम देखो यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा अपनी मीटिंग में, जो कि यार हमें मीटिंग करनी, मतलब जो डायमंड कैसीनो का ओनर है उससे यार हमें पहले तो मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी फिलहाल के लिए राजी तो नहीं है यार उस डायमंड कैसीनो को बेचने के लिए। तो उससे देखते हैं पैसे वैसे उसको खिलाएंगे, ज़्यादा देंगे, मतलब जितने का डायमंड कैसीनो वो टोटल है उससे ज़्यादा ही पैसे देंगे भाई, तभी वो मानेगा। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग उस बंदे के पास। ओके, आराम से
कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम से चलते हैं। तो उस बंदे का जो घर है वो देखो इस साइड में है, एयरपोर्ट के पास रहता है वो, इस साइड में कहीं पे। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग यार। ओके, तो हमें पीछे से जाना है यार, तो यहाँ से हम लोग कार को मोड़ लेते हैं। हट जा भाई हट जा। अरे भाई, तो चलते हैं फटाफट से हम लोग यार उसके घर पे और चल के बातचीत करते हैं यार। वैसे तो राजी तो फिलहाल अभी वो नहीं है, बट देखते कुछ तो करेंगे यार हम लोग। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग उसके घर पे। ओके गाइस, और अपन लोग पहुंच चुके उस एरिया में। और मैंने यार उस बंदे से जब फ़ोन पे बात करी तो वो तो उसका यार यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, मतलब उसका खुद का रेस्टोरेंट है। तो उसने यार हमें यहीं पर बुला लिया। तो अरे भाई 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 भाई, कहाँ घुसा दी मैंने कार को। तो ये है देखो भाई, उसका खुद का होटल है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो होटल के नीचे जो रेस्टोरेंट है वो भी उसी का ही है। तो अंदर को चलते हैं, और वो कह रहे हैं मैं रेस्टोरेंट पूरा खाली है, तुम आ जाओ आराम से मिलने के लिए। तो ये रहा भाई रेस्टोरेंट। तो मेरे ख्याल से ओके, वो बैठा है देखो वहाँ पर कोट पैंट पहना हुआ। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर। तो मैं अपनी कार को यहीं पर पार कर देता हूँ। ओके, यहीं पर मैं इसको पार कर देता हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग उस बंदे से मिलने के लिए, और देख चल कर बातचीत करते हैं यार, देखते हैं क्या बोलता है यार वो, ठीक है। पैसे वैसे खिलाएंगे उसको ज़्यादा और क्या, क्योंकि देखो हमें लेना तो है यार, माइकल का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है, क्योंकि यार माइकल अभी तक उस कैसीनो को ले नहीं पाया, ठीक है। तो ये खड़ा है देखो वो बंदा, तो इससे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यार मैंने इस बंदे से बातचीत कर ली है, और इस बंदे ने भाई कैसीनो देने से साफ साफ मना कर दिया। देख रहे हो, मतलब प्रेसिडेंट को भाई इसने मना कर दिया कैसीनो देने के लिए, हद है भाई। बल्कि हमने से इतने ज़्यादा पैसे दिए फिर भी ये मना कर रहा है देखने को। तो अभी तो फिलहाल हम चलते हैं भाई यहाँ से, तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा भाई, तभी ये बंदा हमें उस कैसीनो को बेचेगा। देख रहे हो कितना टेंशन में खड़ा हुआ है। तो इसका हम कुछ करेंगे भाई, अभी करते हैं इसके लिए कुछ। तो अब चलते हैं हम लोग फटाफट से पहले बाहर, क्योंकि अभी हमें यार एक काम और है। क्योंकि देखो फ्रैंकलिन ने यार एक पार्क भी खोला, मतलब थीम पार्क। तो हमें यार अभी उस थीम पार्क को देखने के लिए जाना है, मतलब पब्लिक के लिए खोल रखा है फ्रैंकलिन ने उस थीम पार्क को। तो फटाफट से मैं उसकी लोकेशन मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई थीम पार्क काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई सिटी से, तो क्योंकि देखो थीम पार्क खोलने के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती, इसीलिए यार फ्रैंकलिन ने इतनी दूर खोला, क्योंकि वही एक जगह थी जो पूरी की पूरी खाली थी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग थीम पार्क में। और गाइस यार ये कैसीनो बेच नहीं रहा ना, इसका हम लोग को कुछ करना पड़ेगा यार, ठीक है। मतलब इसको हमें शायद धमकी वमकी भी देनी पड़ जाए, लड़ाई भी हो जाए इससे हमारी, बट यार हम लोग किसी भी हाल में ना उस कैसीनो को हम लोग इसे लेकर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को मिस मत करना। ओ भाई बच गया अभी। तो ये तो है सीमन का शोरूम, तो अपन लोग को अभी इधर नहीं जाना फिलहाल के लिए, अपन लोग को जाना है दूसरी तरफ। तो वो वाली जो कार से वो जैसी यार मॉडिफाई हो जाएगी, तो वो यार फ्रैंकलिन को कॉल कर देगा, और फ्रैंकलिन यार अपने बॉडीगार्ड भिजवा कर पुलिस स्टेशन में उन कार्स को पहुंचवा देगा, ठीक है ना। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग उस थीम पार्क की तरफ। और काफ़ी बड़ा थीम पार्क खुलवाया भाई फ्रैंकलिन ने इस बार, ठीक है ना। मतलब बहुत ही बड़ा थीम पार्क है यार, आप लोग जाओगे ना वहाँ पे तो कसम से बहुत मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं आप लोग को जाकर भी पूरा थीम पार्क दिखाऊंगा। और गाइस यार वो जो कैसीनो, उसके लिए यार कुछ करना पड़ेगा यार। तो आप लोग आइडिया दो यार भाई, कि हम उस कैसीनो को लेने के लिए उस बंदे के साथ क्या करें, मतलब उसको मारे पीटे, उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे, क्या करें। आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ठीक है ना। आप लोग अगर काफ़ी अच्छे आइडिया दे दे तो भाई, ठीक है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना यार, ठीक है ना। आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग फटाफट से उस थीम पार्क की तरफ। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट हम लोग सुपर कार से आए हैं तो बड़ी जल्दी पहुँच गए यार, ठीक है ना। ओके, तो गाइस यार अपन लोग पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे। देख रहे हो मतलब ये है भाई अपना थीम पार्क। तो अपन लोग पहले गाड़ी को इधर कहीं साइड में लगा देते हैं यार, तो कार को हम लोग उस साइड में लगा देते हैं यार यहाँ पर। तो इसको तो हमने यहाँ पर लगा दिया, और मैं आप लोग को यार एक बार ये ड्रोन से दिखा देता हूँ यार सबसे पहले, तो ठीक है ना। तो मैंने अपना ड्रोन निकाल लिया है। एंट्री पर ही देखो भाई दो जोकर खड़े हुए भाई, देख रहे हो, एक आराम से बैठा हुआ है और एक डांस कर रहा है खड़े हुए। तो ये है भाई अपने पार्क की एंट्री, मतलब जो थीम पार्क हम लोगों ने बनाया, देख रहे हो मतलब कितना ज़्यादा प्यारा है और बड़ा है भाई, देख रहे हो। तो ये है यार अपना थीम पार्क जो हमने लॉस सैंटोस के लोगों के लिए बनवाया है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है यार। तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। तो ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया है भाई ये थीम पार्क। तो अब फटाफट से हम लोग यार अंदर को चलते हैं, और अपना बॉडीगार्ड पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गया रे बॉडीगार्ड। ओके, देख रहे हो मतलब थीम पार्क के अंदर घुसते हुए अपना बॉडीगार्ड सीधा फरार। वाह, ऐसा होना चाहिए भाई, बॉडीगार्ड है ना सीधा फरार हो जाए। तो यहाँ तो देखो जोकर लोग की वो खड़ी है, बस कह रहा हूँ सॉरी, ऐसे छोटा सा ट्रक जैसा होता है। तो अब चलते हैं हम लोग यार अंदर की तरफ, और ये आदमी पता नहीं क्यों खड़ा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स वाली गाड़ियाँ थोड़ी सी रखी हुई हैं, दो चार। तो ये तो है यार इसकी एंट्री, और यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं यार, मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये देखो भाई ट्रेन का इंजन टाइप यहाँ पे रखा हुआ है,
खाली शो पीस के लिए रखा है भाई, ठीक है ना। और ये तो देखो बलून वलून रखे हुए हैं, और ये देखो भाई क्या पहन के खड़ा हुए हैं, एलियन एलियन सूट बिल्कुल। और ये वाला झूला देखो भाई, खतरनाक वाला बिल्कुल औसम झूला है भाई, औसम बिल्कुल। ये वाला देख रहे हो, मतलब इसमें बैठ के भाई सर चकरा जाता है, देख रहे हो इतना तेज़ तेज़ घूमता है ये गोल गोल, पूरा सर चकरा जाता है। तो ये इस झूले में यार अभी तो फिलहाल बंद है ये, जब चलेंगे तो मैं यार ज़रूर आऊँगा यार यहाँ पर एक बार फ्रैंकलिन को लेकर। और ये देखो कौन खड़ा है, पता नहीं आदमी। और ये वाला झूला देखो भाई, ये तो बच्चों वाला है भाई अभी तो फिलहाल के लिए। तो ऊपर कहाँ जा रहा है यार फ्रैंकलिन, ऊपर नहीं जाना अभी हमें फिलहाल के लिए। तो मैं खाली दिखाने के लिए यहाँ पे आप लोग को लाया हूँ फ्रैंकलिन को, वरना तो यार फ्रैंकलिन का इतना टाइम कहाँ कि ये मेले में जा सके। बट कभी फ्री टाइम निकाल कर हम लोग ज़रूर आएंगे रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम यार ये मेला सही से चलता है, अभी तो फिलहाल काफ़ी कम लोग हैं। और ये तो देखो भाई, ये तो है सर्कस एरिया, देखो दो जोकर खड़े हैं बाहर को। तो अभी फ़िलहाल ये भी बंद हो गई, देखो कोई भी नहीं है फिलहाल अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आएंगे यार हम लोग, मैं कह रहा हूँ ना जिस दिन हम लोग आएंगे ना यहाँ पर, हर एक एक राइड लेंगे भाई, और सर्कस में भी ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी है, हॉन्टेड हाउस में आप लोग को चल कर दिखाता हूँ। वैसे अभी फिलहाल के लिए बंद होगा, बट एक बार मैं आप लोग को लुक दे दूंगा उसका भी। और मौसम देख रहा हूँ भाई कितना खतरनाक हो गया भाई, बिल्कुल बारिश वाला मौसम लग रहा है, बारिश बारिश होने वाली यहाँ पर खतरनाक वाली। और ये तो देखो जाइंट व्हील है, ये तो खैर हर मेले में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये तो देखो भाई यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप बना रखा है, और ये मैडम जी देखो टिकट काउंटर में बैठी हुई हैं। और ये वाला देखो भाई, ये ड्रॉप और डू, ये देखो ये गेम सबसे खतरनाक है भाई, ये वाली राइड मतलब इतनी तेज़ से ये ऊपर जाता है ना, नीचे नीचे इतनी तेज़ी से गिरता है ना भाई, कसम से बड़ी हालत ख़राब हो जाती है ये वाली राइड में। तो ये वाला कौन सा झूला, ओके ये तो गोल गोल घूमने वाले, गोल गोल घूमने वाले खैर सर चकरा जाता है फ्रैंकलिन का। तो और ये तो खैर जाइंट व्हील मैंने आप लोग को दिखाई दिया। और ये देखो, अरे बंदर भी क्यों बैठा है, ओके बंदर का मास्क लगा के बैठा है क्या ये बंदा, अरे बंदर ही है क्या ये, अरे बंदर जैसा लग रहा है ये तो। चलो जो भी है भाई, अपने को क्या करना अपने को कौन सा यहाँ रोज रोज आना है, जो लोग आएंगे अपने आप ही हैंडल करेंगे भाई इन सब से। और ये तो मेरे ख्याल से ओके रोलर कोस्टर है भाई ये वाला, तो एक बार ऊपर को चल कर देखते हैं यार कैसा है ये रोलर कोस्टर। ओके आराम आराम से चढ़ जा, एक तो सीढ़ियाँ यहाँ पे आयरन की सीढ़ियाँ हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है भाई चढ़ने में फ्रैंकलिन को। ओके चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, आराम से चढ़ जा भाई, आराम से चढ़ भाई, तेरा ही झूला। ओके अरे मतलब हद यार, ये लोग किसको चीयर कर रहे हैं यहाँ पे, कोई तो है नहीं भाई यार, किसको बता, अपने आप ही पागल पागल हो गए। ये देखो ये इसको देखो इसको देखो, ये वाह, ये वाह, एक बार और ये देख रहे हो मतलब इसको हद, ओह यहाँ पे भी बंदर है। तो ये तो देखो रोलर कोस्टर यहाँ पे शायद कहीं गई हुई है राइड जो आता है। अब चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, ओ भाई ओ चढ़ते वक्त तो आराम से चढ़ा, देखो ओ भाई देख रहे हो मतलब उतरते वक्त कितनी जल्दी उतर गया फ्रैंकलिन। तो अब चलते हैं हम लोग उस तरफ को, और मैंने आपको सारी चीज़ें मोस्टली सारी दिखाई दी हैं जो मेन मेन चीज़ें यहाँ पे, बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे से झूले होते हैं जो, और काउंटर भी यहाँ पर लगे होंगे आइसक्रीम का और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न की, सब तो खैर आप लोग ने मेले में रेयर 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 केस में क्या आप लोग ने देखा ही होगा सारी चीज़ें। तो ये तो रहा, ये तो हम लोग आ गए एंट्री की तरफ। और ये वाला जो झूला है ये तो खैर आप लोगों ने देखा ही होगा यार, मूवी वूवी में तो ज़रूर देखा होगा, ये वाला काफ़ी बढ़िया है वैसे। ये वाला भी, इसमें भी हालत ख़राब बहुत हो जाती है यार फ्रैंकलिन तो अभी फ़िलहाल किसी में भी बैठने वाला है नहीं। तो जिस दिन आएंगे भाई उस दिन तो सारी राइडें लेंगे भाई, सारी राइड के मज़े लेंगे। तो ये एक छोटा जाइंट व्हील है देखो, वो बड़ा वाला था ये थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर भी देखो एक ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है, ओके ये क्या चीज़ है, अच्छा ये तो नीचे खाली ऐसी छोटा सा रूम टाइप बना रखा है इन लोगों ने। ओके तो ये तो देखो घोड़ा गाड़ी बैठना है भाई घोड़ा गाड़ी में, रहने दो भाई अभी चलते हैं अपन लोग। और ये देखो एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है यहाँ पे यार, देखो मॉन्स्टर ट्रक की एक राइड मिलती है अभी फ़िलहाल, जो बंदा ट्रक चलाता है वो तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर है नहीं। और ये देखो भाई एक स्विमिंग पूल भी हम लोग ने बनवा रखा है यहाँ पर, देख रहे हो मतलब कितना खतरनाक वाला सीन कर रखा है हम लोगों ने। ओके गाइस तो ये था यार पूरा का पूरा पार्क, जो कि यार आप लोगों ने देख ही लिया, थीम पार्क जो कि इसे हम बोलते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग यार बाहर की तरफ। तो कहते हैं फ्रैंकलिन को अभी काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि यार अभी हमें यहाँ से सीधा व्हाइट हाउस में जाना है, और वहाँ पे कुछ हमें पेपर वर्क टाइप कुछ करना है। तो फटाफट से हम लोग यार अब बाहर को चलते हैं, और व्हाइट हाउस की तरफ हमें जाना है सीधा। तो आप लोग यार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें यार उस बंदे के साथ क्या करना चाहिए। वैसे कहते हैं हमने लेस्टर से बातचीत करी, तो उसने हमें ये बताया कि वो जो कसिनो है उसमें जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं लॉस सैंटोस के, तो उन सब ने यार उस कसिनो के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो अगर उस कसिनो में हम लोग यार रॉबरी कर देते हैं,
ठीक है ना, रॉबरी कर देते हैं, तो यार वो कसिनो का रेट सारे गिर जाएंगे। मतलब यार वो जो बंदा है जिसका कसिनो है वो यार कर्जे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको मजबूरी में फ्रैंकी को वो कसिनो बेचना ही पड़ेगा। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मेरे को यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो का हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यार अगर चैनल पर नया आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।